हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 17वें बाब में से। और जब वो जलील में ठहरे हुए थे, यस्सू ने उनसे कहा, ज़रूर है कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ में हवाला किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। उस पर वो नहायत गमगीन हुए। जब वो कुफरनहूम में आए तो 2 दिरहम लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद 2 दिरहम नहीं देता? उसने कहा, देता है। और जब वो घर आया तो यस्सु ने पहले ही कह दिया कि ऐ शमाउन, तेरा क्या ख्याल है, शहाने जहाँ किन से मसूल या जिजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब वो बोला गैरों से, तो यस्सु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन ताकि उन्हें ठोकर ना खाएं, तू जाकर जलील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दिरहम पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज 8 अगस्त 19वें लतूरियाई हफ्ते का सोमवार और आज मुकद्दस डोमिनिक की ईद भी है। आज की पहली तिलावत में हिज़ेकियल नबी की बुलाहट का सिलसिला है, यानी हिज़ेकियल नबी जो अर्मिया नबी के वक्त में ही था, लेकिन बाबल की असीरी के वक्त हिज़ेकियल नबी को खुदावंद ने चुन लिया कि वो बाबल में नबूवत करे। तो इसके लिए उसे खुदा एक रोया दिखाता है। उस रोया में तुंद तेज़ हवा है, बादल है और उसके गिर्द आग है और बड़ी रोशनी है, और हिज़ेकियल नबी देखता है कि किस तरीके से खुदा का जलाल है। और इस जलाल के बाद हिज़ेकियल नबी को खुदा का कलाम सुनाने के लिए दावत मिलेगी, और ये है हिज़ेकियल नबी की बुलाहट। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह तीसरी दफ़ा अपनी अजियत की पेशन गोई करते हैं कि मैं आदमियों के हवाले किया जाऊंगा और अजियत उठाऊंगा और फिर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और उसके बाद वो जब हैकल में जाते हैं तो वहाँ पर 2 दिरहम लेने वाले होते हैं, और वो कहते हैं कि क्या पतरस से पूछते हैं कि क्या तेरा उस्ताद जो है वो 2 दिरहम नहीं देता। तो पतरस ने कहा, हम देते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि तू जा और जाके पानी में से मछली पकड़, और जिस मछली के सबसे पहली होगी उसके मुंह से तूने 4 दिरहम निकाले, यानी 2 पतरस के लिए और 2 मसीह खुदावंद के लिए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, ये तो अपने बेटों से उन्हें नहीं लिया जाते ये दिरहम, ये तो लिए जाते हैं जो जिजिया देने वाले होते या जो गैर होते हैं। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह वो दिरहम पेश करते हैं, वो अदा करते हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज के दिन आज की इन तलावतों से हमें क्या मिलता है? पहली बात कि खुदा ने हर वक्त हर ज़माने में अपने लिए नबियों को चुना है, वो जो नबूवत करें और जो खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचाएँ। और खुदा का कलाम ना पहुँचाएँ बल्कि उसका प्रचार भी करें और लोगों को उनके अहकामात जो खुदा के उन पर अमल करने की हदायत दें। और इसी तरह से आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी अजियत की पेशनगोई करते हैं, और इस पेशनगोई के साथ वो अब यरूशलम की तरफ भी जाएंगे जहां पर खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जाएगा। इन तलावतों से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि खुदा हमारे नौजवानों को भी बुलाता है, चुनता है, ताकि वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाएं, वो खुदा के कलाम की बशारत जो है वो लोगों तक दें। इसलिए आज के दिन इस दौर में कितना ज़रूरी है कि हम काहिनाना और
मजहबी रिलीजियस जो है सिस्टर्स हैं, काहिन है, उनकी बुलाहट के लिए दुआ करें कि खुदा हमारे नौजवानों में से बहुत सारों को ज़ेकिल नबी, अर्मिया नबी की तरह चुन ले ताकि वो उसकी बिशारत बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। खुदा हम ही में से चुनेगा, हमारे ही खानदानों में, हमारे ही नौजवानों में से खुदा चुनेगा, जिस तरह उसने अर्मिया और हज़ेकील को चुना, जिस तरह ऐशाया नबी को चुना। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वालदैन जो है, हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, वो अगर खुदा के करीब हैं और वो अपने बच्चों को खुदा के करीब ले आते हैं तो वही बुलाहट सुन सकते हैं, वही बुलावा सुन सकते हैं। इसलिए कितना ज़रूरी है हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे वालदैन बुज़ुर्गों के लिए कि अपने घर का ध्यान रखें, इन्हें खुदा की मोहब्बत में लेकर आए, इन्हें गिरजा घर खुदा का कलाम सुनने के लिए, पाक यूक्रिस्ट में हिस्सा लेने के लिए इन्हें मायल करें, इनकी रूहों को उस तरफ मायल करें, जहां से फिर बुलाहट का बीज जो है वो बोया जाएगा, हमारे नौजवानों की रूहों में बुलाहट का बीज बोया जाएगा ताकि वो खुदा का प्रचार कर सके, खुदा उन यीशु मसीह की अंजील की, अनाजील की बिशारत दे सके बहुत सारे लोगों को। खुदावन यीशु मसीह के अजियत की तीसरी पेशन गोई है, क्योंकि इस अजियत के बगैर हमें निजात मुमकिन नहीं। खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाहों का फिदिया होगा, वो सलीब पर अपनी जान देगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो हम सब के लिए हमेशा की जिंदगी देंगे। तो इस तरह से ये अजियत की तीसरी पेशन गोई है, जिसका मतलब है कि किस तरीके से खुदा ने हमसे मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमारे हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी इन अजियतों का इजहार करते हैं और हमें अपने रसूलों को तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने निजात हासिल की है उसके कोड़े खाने से, उसकी मौत को गले लगा लेने से और फिर मुर्दों में से जिंदा होकर। इसके साथ जो दो दिरहम दिए खुदावंद यीशु मसीह ने, आप देखें ये कितनी ज़बरदस्त बात है। खुदावंद यीशु मसीह को भी पता था कि दरहम देने हैं हमें, हालांकि बेटों को देने वाजिब तो नहीं होते, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह उनकी जो रवायात है उनको बरकरार रखते हुए दो दिरहम देते हैं, पतरस के लिए दो और अपने लिए दो। और वो कहाँ से आए? वो समुंदर में से, कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह अनहोनी को होनी में बदल देते हैं, यानी जो मछली सबसे पहले आएगी उसके मुंह से चार दिरहम निकलते हैं जो अदा किए जाते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि रिजक देने वाला खुदा है, खुदा ही हमें रिजक देता है और वो अनहोनी को होनी में कर देता है, यानी जहां पर हमें पता भी नहीं होता लेकिन खुदा ने जिसके लिए रिजक दिया है, लिख दिया है, उसे वो मिलेगा, चाहे वो अजीब तरीके से क्यों ना मिले, यानी जिस तरह से मछली के मुंह से चार दिरहम निकले। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम खुदा पर मुकम्मल ईमान रखें, उस पर अपना पूरा तवक्कुल रखें। वो रिजक देने वाला खुदा है जो हमें पता नहीं कैसे कैसे अजीब तरीकों से हमारे लिए वो रिजक देता है। तो आइए हम भी खुदा पर मुकम्मल तवक्कुल करें। आज के दिन हम तमाम डोमिनिकन फादर्स और सिस्टर्स जो है, जो प्रीच करने में या खुदा की बिशारत को फैलाने में पेश है, ये उनका जिंदगी का मकसद है कि वो खुदा यीशु मसीह की बिशारत को आगे बढ़ाएं। खुदा उनके लिए बहुत सारी बुलाहट लेकर आए ताकि बहुत सारे डोमिनिकन बेटे और बेटियां अपने आप को डोमिनिकन बनाने के लिए, खुदा का प्रचार करने के लिए पेश करें, ताकि हमारी इस दुनिया में खुदा के पाक कलाम की कभी कात ना पड़े, बल्कि फरावानी के साथ ये मसीहों को जो ईमानदार हैं, जिन्होंने खुदा पर तौकल किया, ईमान रखते हैं, उन तक खुदा का कलाम हमेशा पहुंचता रहे। तो आइए हम बुलाहट के लिए भी दुआ करें, डोमिनिकन फादर्स और सिस्टर्स के लिए भी दुआ करें और अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदावन हम में से बहुत से नौजवान बेटों और बेटियों को चुन ले ताकि वो खुदावन यीशु मसीह का प्रचार करते रहे। खुदा हम सबको, हमारे खानदानों को ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।